गाइस ये पूरा रास्ते की तो भाई क्या बताऊं मैं तुमको, क्या बोलूं यार, कैसा रास्ता हो रहा है, लफ्ज नहीं बचे मेरे पास इसके लिए, तो इतना तगड़ा रास्ता लग रहा मुझे आज। ये देखो छोटा माउंट। तो गाइस हमको छोटा पहाड़ मिल चुका है, इस पे हम जाके बैठना चाहते हैं बट हमारे पास टाइम नहीं है तो इस वजह से सीधा चलते हैं। मिल चुके हैं ये हमारे भाई लोग, मिल चुके हैं एक भाई, ये मिल चुके हैं गाइस, देख सकते हो इस बंदे को कैसा कुपोषण का शिकार हो रहा है लोंडा, ये खाना वाना नहीं खाता, देख सकते हो अभी इधर मुंह करेगा ये। भाई खाना वाना नहीं खा रहे क्या तुम? भैया ओ भैया खाना वाना नहीं मिला क्या? नहीं मिला खाना? देखा गाइस खाना नहीं खाने की वजह से लोगों को कम सुनाई देता है, तो खाना वाना टाइम पे खाओ, डाइटिंग को छोड़ो, डाइटिंग को मारो गोली। और ये देखो आप कैसे बैठा हुआ एकदम यूं लटक के, जैसे अगर गाइस उसके पीछे से गोसा मार दूँ ना मैं तो यूँ मारो एकदम कड़क हो जाए तो ऐसा हो चुका है गाइस, पर अब क्या कर सकते हैं भाई अपना, यार कैसे मार देंगे ये तो है। गाड़ी की गाइस हालत जितनी ख़राब हुई है वो आपको लास्ट में बताया जाएगा कैसी गाड़ी हालत हो चुकी है। तो गाइस ये देख सकते हो अभी तक पूरा रास्ता जो है सही नहीं हुआ, पूरा रास्ता ख़राब है यहाँ का, तो कभी भी आओ तो ये चीज़ चेक कर लेना एक बार आप पूरा व्लॉग, तो इसमें कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आने आ सकती है। गाड़ी वगैरह कम चलाने आती है तो वो बाइक से ना आए, या अपने किसी दोस्त वगैरह को फ्रेंड को साथ में लाएँ, तो पूरा रास्ता ऐसा ही है, फिर सही होता है फिर ख़राब हो जाता है। और हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, खाना कम खाएं, क्योंकि खाना ज़्यादा खाने से कैसी हालत हो जाती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हो आगे वाले मोटे बंदे को, देखो कैसे हो रहा है गाइस, ये गाइस ये गाड़ी पे मार भी नहीं रहा है। कौन सा साउंड? बाइक का साउंड सुना है? वो तो आगे गया गाइस, भाई बोल रहा है बाइक का साउंड सुनाओ, तो भाई को साउंड सुनाएंगे अभी। ये देख सकते हो गाइस पूरा कैसा कीचड़ हो रहा है, कच्चा रास्ता है, साइड में जरा सा ये रास्ता है जो ही सही है थोड़ा बहुत इस तरफ, बाकी पूरे रास्ते पे बैंड बज चुके हैं। गाइस ये रास्ता वन वे है, बस भी यहीं से आ रही है, आपको भी यहीं से जाना पड़ता है। ये देखो अपने भाई लोग साथ में चल रहे हैं, अब जाके पूरे लोग मिल चुके हैं, एक बंदा पीछे रह गया, ये भाई जा रहे हैं आगे की तरफ वाइट टी शर्ट में धीरज जी, एंड पीछे की तरफ रह चुके हैं दो भाई, और अपने एनएस वाले बंदे जो हैं शायद आगे चल रहे हैं। ये रास्ता ख़राब है, वो थोड़ा आगे हो गए थे, हम लोग रुक गए थे कुछ खाने के लिए इस वजह से लेट हो चुके हैं। ये देखो गाइस खाना नहीं खाने की वजह से कुपोषण से होता है, ये बंदे के भी सेम बीमारी है। ये देखो और वो कह भी रहा है दो दो है मेरे, तो गाइस जैसे कि आपने देखा दो बीमारी है भाई के, मैं एक की सोच रहा था तो उसके लिए सॉरी। तो लग तो ऐसा रहा है गाइस जैसे कि हम पहुंच चुके हैं एक छोटा सा मार्केट टाइप का है, नहीं अभी थोड़ा और आगे है। तो गाइस सबकी हालत ख़राब हो चुकी है, पैर वगैरह ख़राब हो चुके हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ वाला रास्ता है, कीचड़ रोड। तो भाई लोग यहाँ पे हाथ वगैरह वॉश कर रहे हैं, मुंह वगैरह धो रहे हैं, पैर वगैरह क्लीन कर रहे हैं। ये देख सकते हो बाइक की कैसे हालत ख़राब हो चुकी है पूरी, और ये कीचड़ कीचड़ भर चुका है, ये देख सकते हो आप ये कैसी हो चुकी है। एंड मेरे पैर चेक करा देता हूँ, ये देखो पूरे ऐसी हालत हो चुकी है। तो चलो एक बार पैर वैर थोड़े बहुत धो लेते हैं पहले, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज लगभग हम महाकाल के टेंपल के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर भयंकर जाम लगा हुआ है, तो बाइक को इस तरफ से लेना पड़ेगा, तो बाइक को इस तरफ से ले लेते हैं अपन। और यहाँ का ये रास्ता आप चेक कर सकते हो पूरा कैसा हो रहा है गाइज, ये देखो पूरा ऐसा रास्ता हो रहा है। ये अब ये मान लो जंगल में गाड़ी चलाने के बराबर है ये रास्ता, तो वैसे ही चलना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, यही सही है। ये देखो गाइस कैसा रास्ता हो रहा है, ये पूरा झाड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई है टूट के, तो निकल चुके हैं
अब जाके जाम से निकले, जाम लगा हुआ था उस तरफ, अब लगता है काफ़ी पास आ चुके हैं। ये देखो गाइस पहाड़ है यहाँ पे बिल्कुल पास में, ये देखो गाइस कटा हुआ है एकदम इधर यहाँ से तो, और पूरा एक चौगान सा बना हुआ है। मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ भी माँ काल का टेम्पल होता है वहाँ पर पहाड़ी इलाका ज़रूर होता है, भले छोटा सा हो पर होता ज़रूर है। तो ये है यहाँ का क्राउड और यही पार्किंग है गाइस। मेरे हिसाब से गाड़ी यहीं पे लगानी पड़ेगी, आप देख सकते हो कितनी कारें वगैरह लगी हुई है और एक मेला टाइप का लगा हुआ है पूरा, ये देखो गाइस। तो गाइस ये यहाँ पे लगा दिया गाड़ी वगैरह, और गाड़ी हालत चेक कर सकते हो कैसी हुई है यहाँ पे, और रवि भाई ने लगा दी। ये पूरी पार्किंग बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, चेक कर सकते हो आप। हाँ भाई हो, हेलो गाइस। तो भाई लोग यहाँ पर मिल चुके हैं, कैसे हो दोस्तों? सब ठीक, आप सुनाओ? बस ठीक है यार। तुम नहीं गए क्या मंदिर मंदिर पे? कैसा लगा मंदिर पे आके? अच्छा लगा है ना? और मंदिर पे देखने लायक क्या क्या है? झरना वरना गिर रहा है क्या? बहुत अच्छा मिलेगा आपको, अच्छा मिलेगा ना? झरने के ऊपर भी जा सकते हो आप, जा सकते हैं ना, ऊपर जा सकते हो आप। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, है ना? ओके ठीक है दोस्त, ओके भाई। यहाँ पर इस प्रकार से क्राउड रहता है जैसे कि आप चेक कर सकते हो ये, एंड यहाँ पे ये दुकानें लगी हुई है इस तरीके से। भाई चेक करो यहाँ का व्यू, ये है माँ काल का मंदिर। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से आपको क्लियरली मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप देख सकते हो कितनी पब्लिक है यहाँ पे। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर नारियल वगैरह रख रखे हैं साइड में, और घी वगैरह भी रखा हुआ इधर। तो गाइस आप देख सकते हो झरना वगैरह कम गिर रहा है, एंड पब्लिक का क्राउड काफ़ी है। पहाड़ का व्यू वगैरह आप चेक कर सकते हो, पत्थर वगैरह यहाँ पर पड़े हैं, एंड ऊपर का व्यू देखो गाइस, यह है यहाँ का व्यू। अगर गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।